नमस्ते, इंडिया एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम यहाँ कोसानी के पास एक छोटा सा गांव आया है, उसके पास एक मंदिर है जंगलों के बीच में और एक छोटा सा वाटरफॉल है, वहाँ पे आए हैं। पर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ के भाई जो गाइड है वो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है सर। राजेंद्र कुमार, हाँ जी। यहाँ पे जो हुआ है सर, कौशिक मुनि की तपस्या में स्थल हुआ है। आवाज बढ़ाओ। जो ये मंदिर के अंदर में छोटी सी गुफा दिख रही है ना सर आपको, इसमें जो हुआ है कौशिक मुनि की तपस्या स्थल हुआ। कौशिक मुनि ने यहाँ पे तप किया रहेगा, तब जाके शिव भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए खड़े रुद्र के रूप में। ये भैया ने जो हमें बताया और मैं समझा हूँ, ऐसे इसका कहना है यहाँ ये कोसी नदी है, वहाँ पे कोसी मुनि ने तपस्या की है, उस हिसाब से यहाँ पे ये मंदिर के अंदर में जो छोटी सी गुफाएं हैं इसमें जो हुआ कौशिक मुनि की तपोस्थली स्थल हुआ, मतलब तप करने का स्थान हुआ ये। अच्छा, ये अंदर जो स्थान है वहाँ कौशिक मुनि ने तपस्थली व तपस्या करने का स्थान है। हाँ, यहाँ पे शिव जी की साधना की खरी कौशिक मुनि ने, यहाँ रह के ही कौशिक मुनियों ने शिव जी की आराधना साधना की, तब जाके शिव भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए थे रुद्र के रूप में। अच्छा, और जो बगल पे झरना गिर रहा है छोटा सा, इसमें 150 साल पहले दूध की धारा निकलती थी। वो दूध जो था सिर्फ शिवलिंग पे चढ़ने के लिए था, मंदिर के अंदर में जो शिवलिंग है इस पे चढ़ने के लिए था। बाहर की कोई औरत आई, जैसे कि आप लोग आ रखे हैं घूमने के लिए, ऐसी कोई औरत आई तो उसने उस दूध की खीर बना के खा ली। उस दिन से यहाँ पे पानी आने लगा, इसीलिए यहाँ का नाम रुद्रधारी पड़ा। और कौशिक मुनि की तपोस्थली की वजह से ही इस नदी का नाम कोसी नदी और कौसानी और इस गांव का नाम काटली, इसीलिए पड़ा था। अच्छा, आप काटली गांव के, और ये गांव कौसानी और कौशिक मुनि के नाम से ही पड़ा है, कौसानी और ये कौशिक। बिल्कुल सर। और ये नदी यहाँ से कहाँ जाती है? ये यहाँ से नेपाल होते हुए और आती कहाँ से है? ये 12 किलोमीटर ऊपर से उसका उद्गम स्थान है कोसी नदी का। कोसी नदी का, हाँ जी। वो उद्गम स्थान का नाम पता चलेगा? वहाँ का नाम सिसुनिया झाल है। सिसुनिया झाल, हाँ जी। ओके, ये राजू भैया, राजू भैया, हाँ जी। राजेंद्र भैया ने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है। और ये यहाँ का मंदिर महादेव मंदिर वह है। नमस्ते, थैंक यू, आपका शुक्रिया।